दोस्तों कई बाइक ऐसी होती है जिसे हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे उस बाइक में कंपनी कोई अपडेट करे या ना करे। उनमें से दोस्तों है एक बजाज की पल्सर RS 200। यह दोस्तों बहुत सारी बाइक इंडियन मार्केट में आती है, लेकिन भाई कुछ ऐसी बाइक है जिसे हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें से एक है दोस्तों बजाज की पल्सर RS 200। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RS 200 के बारे में। मुझे लगता है दोस्तों RS 200 इंडियन मार्केट की एक ऐसी बाइक है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता कभी, भले कंपनी इसमें कोई अपडेट लाए चाहे ना लाए, बट फिर भी बजाज वालों को पता है कि इस बाइक की जो सेलिंग है तो वो आज भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है और लोग इसको आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ RS 200 का ग्रे कलर ऑप्शन, जो कि मेरे हिसाब से ब्लैक कलर में सबसे बेस्ट कलर ऑप्शन में से एक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं अपनी ब्यूटी RS 200 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में कि ये बाइक आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है। हालांकि हम इस बाइक को काफ़ी दिनों से देख पा रहे हैं दोस्तों कि भाई बाइक ने जो है कलर के अलावा बजाज ने कोई भी इसमें चेंज नहीं किया है। अभी आपको ये लेटेस्ट एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,70,000 1,70,000 रुपये के आसपास की आपको ये एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में जो है थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,05,000 रुपीज़ 2,05,000 रुपये की आपको आसपास की RS 200 देखने को मिलती है ऑन रोड प्राइस। बाकी आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों RS 200 जो है भाई वो इंडियन मार्केट की सबसे बेस्ट बाइक्स में से एक है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि बाइक का जो फ्रंट लुक है ना वो तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलता ही है, लेकिन फ्रंट लाइट की भी इसकी बहुत खास बात है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं दोस्तों फ्रंट में आपको बाइक में LED डियरल लाइट देखने को मिलती है, जिससे बाइक का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। मेन लाइट के बारे में बात करें तो RS 200 में आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलती है। जी हाँ, भले ही आपको ये हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलेगी, बट इसकी जो इल्यूमिनेशन है, इसकी जो विजिबिलिटी है, वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अदर बाइक से अगर आप इसकी कंपैरिजन करेंगे तो उसके कंपैरिजन में आपको इस बाइक की जो लाइट है मेरे हिसाब से बेस्ट देखने को मिलती है, और मुझे नहीं लगता है कि नाइट में आपको कोई एक्स्ट्रा एक भी फॉग लाइट लगाने की आपको इस बाइक में ज़रूरत है। टर्न सिंगल लैप में भी आपको इसमें LED देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगर देखें इस बाइक की सस्पेंशन, तो सस्पेंशन में आपको बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। बाइक के जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बहुत अच्छे सस्पेंशन आपको बाइक में दिए गए हैं। बात करें दोस्तों इस बाइक की अब टायर साइज़ के बारे में, फ्रंट में बाइक में 180/100 cc का जो टायर साइज़ है वो फ्रंट में दोस्तों इनकी तरफ से यूज़ किया गया है। बात करें बाइक की ब्रेकिंग के बारे में, RS 200 में आप लोगों को स्पेशल फीचर में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS आपको RS में देखने को मिलेगा। और अगर बात करें प्लेट साइज के बारे में दोस्तों, तो बाइक में आपको फ्रंट में अराउंड 300 mm 300 mm की जो प्लेट है वो हमें RS 200 में देखने को मिल जाती है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, और वह दोस्तों इस बाइक का इंजन स्पेसिफिकेशन। और मुझे लगता है दोस्तों ये बाइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इंजन टाइप में RS 200 में 199.5 cc का लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क प्लग 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो हमें RS 200 में देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो बाइक है RS 200 ना, इसकी जो इंजन टेक्नोलॉजी वो काफ़ी पुरानी है, बट आज भी ये अच्छी अच्छी बाइक को बिट करने का दम रखती है। इसमें दोस्तों मैक्सिमम पावर में अराउंड 24.5 का PS पावर है, जो कि 9,750 rpm पे पावर जनरेट करता है, एंड मैक्सिमम टॉर्क में 18.7 के आसपास का इंटरमिटेंट टॉर्क है, जो कि 8,000 rpm पे ये बाइक पावर जनरेट करती है। देखिए 200 सेगमेंट में जितना इसका प्राइस है, उस प्राइस के हिसाब से आपको बाइक में जो पावर देखने को मिल रही है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत अच्छी मिलती है, और इस वजह से भी दोस्तों RS 200 को काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है। बात कर लें दोस्तों अब इस बाइक के इंजन की डिटेल्स में, तो कूलिंग सिस्टम में आपको बाइक में लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाता है,
फ्यूल सिस्टम में आपको बाइक में FI देखने को मिल जाता है। नंबर ऑफ वन सिलेंडर में इस बाइक को डिजाइन किया गया है। नॉर्म स्ट्रिप एमिशन टाइप BS6 नॉर्म्स के साथ में ये बाइक आती है। बाइक की बोर साइज 72 mm की है, स्ट्रोक साइज 49 mm के आसपास की मिलती है। साथ में बाइक में आपको नंबर ऑफ फोर वॉल्व आपको बाइक में मिलेंगे। बाइक की आपको बताना चाहूंगा जो क्लच टाइप है वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कि बाइक में आज भी आप लोगों को नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है ये बाइक का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। यहाँ पे भाई थोड़ा सा इनको अपडेट करना चाहिए। तो ये था दोस्तों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा कि बाइक में आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा सा जो इंजन है वो आपको RS 200 में देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। माइलेज के मामले में भी RS 200 बहुत अच्छी बाइक है। इसमें आपको अराउंड 35 के आसपास का जो माइलेज है इसलिए आपको ये बाइक निकाल कर देगी। बाइक की टॉप स्पीड अराउंड 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। प्लस बाइक की जो 0 to 100 की टाइमिंग है वो बाइक में अराउंड 9.92 सेकेंड के आसपास की लगती है। अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के रियर में। रियर में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इस बाइक की जो रियर टेल लाइट है वो आपको बाइक में ज़रूर LED देखने को मिल जाती है। साथ में रियर में आपको बाइक में 130/70 के आसपास के जो टायर साइज़ है वो हमें रियर में देखने को मिलते हैं। रियर में बाइक की जो ब्रेकिंग प्लेट है वो है अराउंड 230 mm की। और रियर में आपको बाइक में नाइट्रो मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। बाइक के जो रियर सस्पेंशन है ना वो भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। अब दोस्तों स्पीडोमीटर में सबसे पहले बाइक की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको बाइक में मिलेगी। स्पीडोमीटर में दोस्तों इस बाइक में आपको एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है दोस्तों RS 200 का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। बजाज वालों को इस चीज़ में थोड़ा समझना चाहिए और ये लोगों को अपडेट करना चाहिए। बाकी दोस्तों स्पीडोमीटर में क्या क्या फीचर मिलेगा, स्पीडोमीटर है, टेकोमीटर है, ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, कूलेंट टेम्परेचर है, क्लॉक है, ABS लाइट है, फ्यूल गेज है, लो फ्यूल वार्निंग लाइट है, सर्विस रिमाइंडर है, लो ऑयल इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, इंजन चेक इंडिकेटर है, फ्यूल रिजर्व इंडिकेटर भी आपको बाइक में मिलेगा। देखिए फीचर्स बहुत सारे हैं बट कुछ फीचर मिसिंग है, जैसे कि गियर इंडिकेटर नहीं है और एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर भी इनको ऐड करना चाहिए। बात कर ले दोस्तों बाइक के फीचर्स के बारे में, तो लेफ्ट हैंड साइड में पास असिस्ट, लो बीम, हाई बीम, टर्न सिग्नल लैंप एंड हॉर्न का स्विच है। राइट हैंड साइड में इंजन किल्सियन सेल्फ का स्विच आपको बाइक में मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस बाइक की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों RS 200 की जो ओवरऑल लेंथ है वो अराउंड 1999 mm की। बाइक की जो ओवरऑल वीथ है अराउंड 765 mm की। बाइक की जो ओवरऑल हाइट है वह 1114 mm की एंड बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वह 157 mm की, 157 mm की। बाइक की जो सीट हाइट है वो है 810 mm के आसपास की, मतलब आपकी हाइट अराउंड अगर 5.2 है ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। बाइक की व्हील बेस है 1345 mm का, कर्व वेट है 166 kg का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी अराउंड 13 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बाइक में मिल जाती है। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर RS 200 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। जैसे आप लोगों ने देखा कि बाइक में आपको कितनी बेहतरीन सा जो इंजन है वो आज भी देखने को मिलता है और लोगों को आज भी RS 200 बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को RS 200 कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।